और उधर 18वें लोकसभा सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के बाद लोकसभा स्पीकर का चयन भी हो गया। लोकसभा में स्पीकर का पद एनडीए के हिस्से आ गया है और ओम बिड़ला स्पीकर पद के लिए चुन लिए गए हैं। वहीं अब वार प्लटवार का दौर भी तेज हो गया। अनादि टीवी से खास बातचीत में अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि अयोध्या में बीजेपी ने झूठा प्रचार किया, अयोध्या में बीजेपी की हार उनकी विचारधारा की हार है। अभी हमारे साथ है अयोध्या से नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी, नगरी चुनाव आदरणीय जी, मैं आपका वादा कि आपने अपनी मीडिया के माध्यम से मेरे विचारों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का जो अथक प्रयास किया है, यहाँ आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अगर बात करें 2019 में जिस तरह से प्रचंड जीत के साथ में भाजपा ने अयोध्या में जीत हासिल की थी, आज इस बार से मुंह की खानी पड़ी और जिस तरह जनता ने आप पर विश्वास जताया है, क्या कैसे कहेंगे आप? ये जीत जो है इस क्षेत्र महान जनता प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा की जीत, सरयू माई की और देवी देवताओं की कृपा की और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के निर्णय की जीत है। उन्होंने एक सामान्य सीट जिस सीट पर चुनाव पहले पूरे देश दुनिया के निगाह लगी थी, जिस तरह से कहा जा रहा था कि अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है, विकास चरम पे है, मगर उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता ने भाजपा को नकार दिया, कैसा ऐसा है? अगर आप अयोध्या का विकास देखना चाहो तो अयोध्या आप चले आओ, किराया हम टिकट हम करा देंगे और हवाई जहाज से चलना हमारे साथ चलो, देख लो रामपति बना है, इसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहली बरसात हुई, अभी बरसात कम हुई है, जगह जगह धस गई, बैठ गई, लोगों के घरों में, यहाँ तक मंदिरों में पानी गया है, लोगों के घर को गिराया गया है, उजाड़ा गया है, क्या ये राम की मर्यादा है? यही है, उजाड़ दिया है, करोड़ों जमीन कौड़ी मिली जाए, बाहरी लोगों को बसाया जाए गुजरात की, वहाँ के लोगों को जाना जाए, ये तो राम की मर्यादा नहीं है। इस मर्यादा को हम कायम करेंगे, उजड़े हुए लोगों को बसाएंगे, जिनको मुआवजा नहीं मुआवजा देंगे और लोगों में एक खुशहाली का, और ये कैसे बड़ा विकास हुआ, उजाड़ करके विकास होता है, इसी को तबाह और बर्बाद करके होता है। चलो देख लो, ये झूठा प्रचार। ये थे हमारे साथ आज निर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा से जवाब दिया और आने वाले समय जरूरी है।